एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी लाइम। आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स दाल फ्राई की रेसिपी। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को एंड तक देखें। मिक्स दाल फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए ऑयल, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बारीक कटे हुए प्याज, जीरा, धनिया पाउडर, बारीक कटा हुआ धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, हींग, गरम मसाला, स्प्रिंग ऑनियंस, बारीक कटे हुए टमाटर और नमक और एक कप मिक्स दाल। यहाँ पे मैंने 5 दाल ली हुई है। इसके अंदर मसूर की दाल है, चने की दाल, तुवर की दाल, उड़द की दाल और पीली मूंग की दाल है। तब इसे हम 2 बार पानी से धो लेंगे अच्छे से। देखिए, मैंने इसे धो लिया है। अब इसे हम बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए हम कुकर में 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो दाल धोई है वो इसके अंदर हम डाल देंगे। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी। तो इसे हम मिला लेंगे और इसे हम ढककर 4 से 5 विसल लगा लेंगे। फ्लेम हमें मीडियम रखनी है कि मैंने ढक दिया है और 4 से 5 विसल इसकी हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है। मैंने ये 5 विसल लगा ली है, जैसे कि आप देख रहे हो। अब इसे हम विस्क कर लेंगे इस तरह। आप चाहे तो इसे ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हो हल्का हल्का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए प्याज। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है मैंने। अब इसे हम मिला लेंगे अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। इसे भी हम मिला लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग ऑनियंस। इसे भी मिक्स कर लेंगे और इन सब चीज़ों को हम कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, जब तक कि ये हल्का हल्का सॉफ्ट ना हो जाए टमाटर और प्याज वगैरह। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच गार्लिक पेस्ट और 2 चम्मच हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। ये आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे मसाले, थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, चुटकी भर हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। हम सब चीज़ों को मिला लेंगे और नमक ऑलरेडी हमने दाल में बॉईल करते समय डाला था तो उसके अकॉर्डिंग आप डालें। सारे मसालों को हम कुक कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये ग्रेवी चिपक ना जाए और इसे मिला लेंगे।
दो तीन मिनट हो गई है, सारे मसालों को हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दाल। फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसे हम मिला लेंगे अब, और इसे हम कुक कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो अगर आपको पतली रखनी है दाल तो। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया बारीक कटा हुआ और मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स दाल फ्राई रेडी है, 4 से 5 मिनट से मैंने कुक कर लिया है, तो अब इसे हम सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।